हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू नज़्म और शेरी मजमुओं के बारे में। ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उर्दू के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप में से जो लोग भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दर्जेल में से कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नज्म है जो कि नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। पहला ऑप्शन है दरबार दिल्ली, दूसरे में है मुफलिसी, तीसरे में है आदमी नामा और चौथे ऑप्शन में है बंजारा नामा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दरबारे दिल्ली। दरबारे दिल्ली ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म नहीं है, तो फिर ये किसकी नज़्म है आप सब मुझे बताइएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, दरबारे दिल्ली जो है ये अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी। मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये तीनों नज़में नज़ीर अकबर आबादी की हैं और ये तीनों ही नज़में किस हयत में हैं नोट कर लीजिएगा, मुखम्मस की हयत में है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी किस नज़्म में दुनिया की बेसबाती व नापायदी पायदारी को नहायत सादगी, सलासत व रवानी के साथ पेश किया है। पहला ऑप्शन है आदमी नामा, दूसरा है मुफलिसी, तीसरे में कलजुग और चौथे ऑप्शन में है बंजारा नामा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बंजारा नामा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्जेल में कौन सी नज्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। कौन सी नज्म मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? शब कद्र, सुबह उम्मीद, जंगल की शहजादी, विदाए इंसाफ। तो जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सब लोग बखूबी जवाब दे चुके होंगे, तो सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जंगल की शहजादी। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म नहीं है, तो फिर ये किसकी नज़्म है आप सब नोट कर लीजिएगा, जोश मलिहाबादी की नज़्म है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दर्जेल में से किस मजमूए का ताल्लुक मोहम्मद हुसैन आज़ाद से नहीं है। दर्जेल में किस मजमूए का ताल्लुक मोहम्मद हुसैन आज़ाद से नहीं है? नज़्म दिल अफरोज, जलवे सुबह, नज़्म आज़ाद, हम कदे आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जलवे सुबह जो है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का शेरी मजमुआ नहीं है। तो फिर आप जवाब दीजिए कि जलवे सुबह किसका शेरी मजमुआ है। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये मजमुआ है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का। किसका मजमुआ हमने बताया? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्जेल में कौन सी नज्म अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है। दर्जेल में कौन सी नज्म अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है? निशाते उम्मीद, बरखा रुख, चकले, मुना जाते बेवा। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली रीड कीजिए। अगर आपने गलती से समझ लिया कि यहाँ पे पूछा गया है कि अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म कौन सी है, तो पहले ही ऑप्शन को आप देखते ही आंसर कर देंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चकले। चकले हाली की नज्म नहीं है, ये नज्म है
साहिर लुधियानवी की नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, खुदा की सनात और आसार सल्फ किसकी नज़में हैं? पहला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दूसरे में जोश मलिह आबादी, तीसरे में है ब्रज नारायण चकबस और चौथे ऑप्शन में है इस्माइल मेरठी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इस्माइल मेरठी। नज्म आसार सल्फ कितने बंदों पर मुश्तमिल है? आसार सल्फ कितने बंद हैं इसमें? 15 बंद हैं, 50 हैं, 70 हैं, 60 हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 70 बंदों पर मुश्तमिल ये नज्म है। इस नज्म के ताल्लुक से याद रखेंगे ये नज्म किला अकबर आबाद से मुताल्लिक है। ये नज्म किस हयत में है? तो याद रखेंगे मुसम्मन की हयत में है। किस हयत में है? मुसम्मन की हयत में है। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट है। दूसरे जुमरे में चकबस्त की नज़में हैं, आप नोट कर लीजिए। तीसरे जुमरे में मौलाना हाली की नज़में हैं। अब पहले जुमरे को देखिए तो मुफलिसी और आदमी नामा ये दोनों नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। मुनाजात बेवा हाली की नज़म है। चौथे जुमरे में आ जाइए, शुआए उम्मीद इकबाल की नज़म है। बंजारा नामा नज़ीर की नज़म है। फर्जी लतीफ़ा बरक़ी कलीसा दरबार दिल्ली ये सब नज़में किसकी हैं? अकबर इलाहाबादी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्ज़ेल में अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़म नहीं है? कौन सी नज़म नहीं है? फर्जी लतीफ़ा, बरक़ी कलीसा, दरबार दिल्ली। तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा सुबह आज़ादी। तो फिर सुबह आज़ादी किसकी नज़म है ये जवाब देना है। तो नोट कर लीजिएगा सुबह आज़ादी नज़म है फैज़ अहमद फैज़ की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शायर ने अपनी शायरी में ज़राफ़त के लिए बुद्धू जुम्मन शेख जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? नज़ीर अकबर आबादी क्या ये दुरुस्त जवाब हो जाएगा, या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद होंगे, या फिर अकबर इलाहाबादी होंगे, या फिर सुरूर जहां आबादी होंगे? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। दर्ज़ेल में सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सभी नज़में और शेरी मजमूए आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। तो फिर खुदा की सनात इस्माइल मेरठी की नज़म है। मदरसा अलीगढ़ अकबर इलाहाबादी। शब कदर मोहम्मद हुसैन आज़ाद मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी। मुनाजात बेवा बरखारत हाली दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्ज़ेल में कौन सा शेरी मजमुआ ब्रज नारायण चकबस का नहीं है? ब्रज नारायण चकबस का नहीं है। अमन का सितारा, सुबह वतन, जलवे सुबह, अगले लोग। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अमन का सितारा। अमन का सितारा फिर किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्ज़ेल में कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में शामिल नहीं है? यानी कौन सी नज़्म है जो बाले जिब्रील से माखूज नहीं है? लाले सहराई, शुआए उम्मीद, साकी नामा, दौको शौक। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शुआए उम्मीद। शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के ही शेरी मजमुआ ज़रबे कलीम में शामिल है, नोट कर लीजिए।
क्लियर होगी बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चलिए जवाब नोट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम और मगाने हिजाज। बांगे दरा 1924 नोट कर लीजिएगा, बाले जिब्रील 1935 नोट कर लीजिएगा, जरबे कलीम 1936 नोट कीजिएगा और मगाने हिजाज 1938 नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दर्जेल में से कौन सी नज्म जोश मलिहाबादी की नहीं है? लेनिन खुदा के हुजूर में, किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी लेनिन खुदा के हुजूर में ये जोश की नज्म नहीं बल्कि अल्लामा इकबाल की नज्म है। अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? दरजेल में कौन सा बयान दुरुस्त है? नज्म किसान मजमुआ रूहे अदब से माखूज है, नज्म जंगल की शहजादी मजमुआ शोला व शबनम में शामिल है, नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब मजमुआ शोला व शबनम से माखूज है, शायर की रातें जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फिर किसान जो है किस मजमुए में शामिल है? तो नोट कर लीजिएगा, किसान शामिल है शोला व शबनम में। जंगल की शहजादी ये किस में शामिल है? तो ये नोट कर लीजिएगा, नक्शो निगार एक शेरी मजमुआ है उसमें शामिल है। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ शायर की रातें नहीं है बल्कि पहला शेरी मजमुआ है रूहे अदब। आप नोट कर लीजिए पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? रूहे अदब। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन को बगौर रीड कर लीजिए फिर बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा पहले और तीसरे जुमरे में जो शेरी मजमुए हैं, ये सभी शेरी मजमुए हैं और ये सभी किसके हैं? जोश मलिहाबादी के हैं। नोट कर लीजिएगा किसके हैं भाई? जोश मलिहाबादी के। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरे जुमरे में देखिए, बांगे दरा, बाले जिब्रिल, जरबे कलीम, अरमगाने हिजाज, ये सभी अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुए हैं। सुर्ख सवेरा, गुले तर, बिसाते रक्स, ये सभी जो है मखदूम मुहियुद्दीन के शेरी मजमुए हैं। चौथे जुमरे पे आ जाइए, जुनूनो हिकमत, नजूमो जवाहिर, ये दोनों ही जोश मलिहाबादी के रुबाइयात के मजमुए हैं। बाकी उसकी बात देखेंगे, परवाज, खून की लकीर, अमन का सितारा, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब, ये सभी अली सरदार जाफरी के शेरी मजमुए हैं। बहुत अहम क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दर्जेल में से कौन सी नज्म मीरा जी की नहीं है? पहला ऑप्शन है कलर की नगमे मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा, हवेली। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हवेली। हवेली किसकी नज्म है? तो आपका जवाब हो जाएगा मखदूम मुहियुद्दीन। दरअसल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को बगौर रीड कर लीजिए। चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही है और चौथा भी सही है। पहले और चौथे जुमरे में जो शेरी मजमुए हैं, पहली चीज क्लियर कर लीजिए, शेरी मजमुए हैं किसके हैं? मीरा जी के। नोट कर लीजिए। दूसरे जुमरे में आते हैं तो मीज़ान, ये फैज अहमद फैज के तनकीदी मजामीन का मजमुआ है। नक्शे फरियादी, फैज का पहला शेरी मजमुआ है। नक्शो निगार, ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। इल्हामो अफकार, जोश मलिहाबादी का है। यादों की बारात, जोश की खुदनविश्त है।
इस नज़्म में ये मीरा जी के तनकीदी मजामीन का मजमुआ है, उनकी तनकीदी किताब है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दरअसल में कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की नहीं है? फैज़ की नहीं है, तन्हाई, इनकलाब, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग। तो क्वेश्चन का जवाब है दूसरा ऑप्शन, इनकलाब। इनकलाब किसकी नज़्म है? तो आपका जवाब हो जाएगा मखदूम मुहियुद्दीन। दरअसल में कौन सा शेरी मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है? दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्त सहसंग और चौथे में है तलखियां। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी तलखियां। नोट कर लीजिएगा, तलखियां जो है किसका है तो नोट कर लीजिएगा, साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। दरअसल में कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की नहीं है? दरअसल में कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की नहीं है? एक लड़का, पगडंडी, जात्री, बाज आमद। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जात्री। तो फिर जात्री किसकी नज्म है तो नोट कर लीजिएगा, मीरा जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दरअसल में कौन सी नज्म मखदूम मुहियुद्दीन की नहीं है? हवेली, इनकलाब, हुब्बे वतन, चांद तारों का बन। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हुब्बे वतन। हुब्बे वतन किसकी नज्म है तो आपका जवाब हो जाएगा पंडित बिरिश नारायण चकबस। दरअसल में कौन सी नज्म नून मीम राशिद की है? देखिए यहां पे पूछा गया नून मीम राशिद की है। एक लड़का, तन्हाई, खुदा की सनात, हुस्न कूजागर। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज्म है, तन्हाई फैज़ की नज्म है, खुदा की सनात इस्माइल मेरठी की नज्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सुर्ख सवेरा आपको दिया गया है, बिसात रक्स है, गुले तर है। ज़मानी एतबार से आपको मुरतब करना है। चार ऑप्शन है, चारों में एक एक तरतीब दी गई, बताइए कौन सी तरतीब दुरुस्त है। क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे पहले है सुर्ख सवेरा। तो सुर्ख सवेरा 1944, उसके बाद में आपको बताया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुले तर, तो गुले तर हो जाएगा 1961, नोट कर लीजिए। बिसात रक्स हो जाएगा आपका 1966। तो इस लिहाज से दूसरे ऑप्शन में जो तरतीब दी गई है वह बिल्कुल सही है। ये तीनों शेरी मजमे मखदूम मुहियुद्दीन के हैं, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। गुमान का मुमकिन, मावरा, लावरावर इंसान, ईरान में अजनबी। क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? मावरा। तो सबसे पहले मावरा के बारे में नोट कीजिएगा, मावरा 1941। उसके बाद नंबर फोर पे ईरान में अजनबी 1955, नोट कर लीजिएगा 1955। नंबर तीन पे नोट कीजिएगा ला बराबर इंसान 1969, इसे भी नोट कीजिएगा। इसके बाद में गुमान का मुमकिन 1977, नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये सभी जो शेरी मजमूए हैं किस शायर के हैं, तो आपका जवाब है नून मीम राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद। नून मीम राशिद की नज्म हुस्न कूजागर उनके किस मजमूए कलाम से माखूज है? गुमान का मुमकिन, ईरान में अजनबी, ला बराबर इंसान, मावरा। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। साहिर लुधियानवी की नज़में चकले, ताजमहल और गुरेज उनके किस मजमू कलाम से माखूज हैं? पहला ऑप्शन है तलखियां, दूसरा यादों की परछाइयां, तीसरा आओ के ख्वाब बुने और चौथे ऑप्शन में गाता जाए बंजारा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन यानी तलखियां, नोट कीजिएगा। शफीक फातिमा शेरा का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला शेरी मजमुआ कौन सा है आप सबको जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब आप सब नोट कर लीजिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी गल्ले सफूरा। कई बार कंफ्यूजन हो जाता आफाक नवा और गल्ले सफूरा में, तो याद रखेंगे
पहला गल्ले सफूरा है, गर्चे इशात आफाकी नवा की पहले हुई है और गल्ले सफूरा की इशात बाद में हुई। इस लिहाज से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अली सरदार जाफरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, परवाज, लहू पुकारता है। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी परवाज 1944। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दर्जेल में कौन सा मजाज का शेरी मजमुआ नहीं है? आहंग, जामे सुरूर, शबे ताब, साजे नौ। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन जामे सुरूर। ये किसका है? सुरूर जहां आबादी का शेरी मजमुआ है। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जोश, नक्श फरियादी, फैज, मावरा, नोनिन राशिद, रूहे अदब, अख्तरुल ईमान, गर्दाब। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? गर्दाब। तो फिर जोश का पहला शेरी मजमुआ है रूहे अदब, याद रखेंगे। फैज का पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी। नून में राशिद का पहला शेरी मजमुआ है मावरा, मैच कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है? नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन है मजाज, दूसरा है अख्तरुल ईमान, तीसरे मखदूम मुहिद्दीन, चौथे में है साहिल लुधियानवी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो फिर ये बताइए आहंग किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा असरारुल हक मजाज। इकबाल की कौन सी नज्म उनके फलसफे हयात, मुताले तारीख और तजिए सियासत की तर्जमान है? दौको शौक, शाय उम्मीद, लेन खुदा के हुजूर में, लाले सहराई। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लेन खुदा के हुजूर में। फैज की कुलियात किस नाम से शाये हुई? नक्श फरियादी, नुस्खा हायफा, सुलेबी मेरे दरीचे में, या फिर मीजान। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नुस्खा हाय वफा, नोट कर लीजिएगा नुस्खा हाय वफा। नक्श फरियादी ये फैज का पहला शेरी मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में ये फैज के खतूत का मजमुआ है। मीज़ान याद रखेंगे आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है, एक नसरी तसनीफ है। क्लियर हो गया सभी को? तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके नज्म और शेरी मजमुओं से मुतालिक 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को, इस सेशन को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। यकीन मानिए इस तरह की क्लासेस को मैनेज करने के लिए, क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आप सबके लिए बहुत मेहनत होती है। तो बस आप सब इतना कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और इस क्लास को, इस मैसेज को खूब स्प्रेड कीजिए। आप लोगों के जरिए से इस क्लास की रीच बढ़ सकती है, यानी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें चैनल के बारे में मालूमात नहीं, उन तक आप ही जरिया बन सकते हैं ताकि क्लास से वो सब भी मुस्तफीद हो सकें। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।